संजीवनी अस्पताल बाल एवं शिशु रोग, जनरल सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, नेत्र रोग, फिजियोथेरेपी, स्त्री एवं प्रसूति रोग, हृदय एवं शुगर रोग, हड्डी एवं जोड़ रोग, कार्डियोलॉजी, दंत रोग, इमरजेंसी चिकित्सक सुविधाओं में एक भरोसेमंद नाम है। नमस्कार, मैं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं dsadkanawa.com। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिरसा जिले के गाँव नोहियावाली में, और जैसा की आप सब लोग जानते हैं की हाल ही में पंचायत चुनाव सम्पन्न हुए हैं और सरकार ने भी महिलाओं को 50% आरक्षण दिया है। हर दूसरी पंचायत में महिला है वो सरपंच चुनी गई है। हमारे साथ इस वक्त इस गांव की महिला जो निर्वाचित हुई हैं सरपंच के लिए, सुनीता रानी, वो इस वक्त हमारे साथ हैं। और चूंकि बड़ा मामला ये है कि इस बार चूंकि पढ़े लिखे प्रतिनिधि चुने गए, हालांकि ये सब पहले भी थी, लेकिन महिलाओं को जो आरक्षण 50% दिया गया, ये बड़ा अहम बात ही, और कि गांव में किस तरह से अब काम होंगे, और इस गांव में क्योंकि dsadkanawa.com की टीम है वो गांव-गांव में जा रही है और हम लोगों से भी चर्चा कर रहे हैं और जो नव निर्वाचित जो प्रतिनिधि हैं उनसे भी बातचीत कर रहे हैं कि आखिर उनका एजेंडा क्या है। जब चुनाव चलता रहा तो किस तरह की प्रस्तुतियाँ रही, और अब चूँकि चुनाव संपन्न हो गए हैं किस तरह की जानकारी रहेगी। हमारे साथ इस वक्त सरपंच हैं सुनीता रानी, हम उनसे चर्चा करते हैं। पहले ये आंगनवाड़ी वर्कर रही हैं, बहुत बहुत तो बधाई आपको पहले तो। धन्यवाद जी। तो क्या कुछ आप कहना चाहेंगे, क्या कुछ आपका एजेंडा, जैसे आप गांव में वोट मांगते हुए जब गए, महिलाओं से भी आप मिले, घर घर में जाकर के आपने चर्चा करी, क्या आप बड़ी समस्या आपके गाँव की आप क्या मानते हैं, क्या बड़ी समस्या इस गाँव की? गाँव की तो जी साफ सफाई पहली तो जी, और गलियों की समस्या भी थोड़ा, साफ सफाई की सभी समस्या तो, और गांव की औरतें ऐसे कह रही है जी कि गांव में जो कुछ है वो अच्छा चलना चाहिए, आगे काम होना चाहिए। हाँ। यानी कि रोजगार भी एक बड़ा इशू होगा, क्योंकि जो महात्मा गांधी जो स्वरा रोजगार योजना है मनरेगा, ये मनरेगा वाले कह रहे हैं सर ये काम चलना चाहिए, काम चलना चाहिए, दो दिन चलता है चार दिन बंद हो जाता है, ये बड़ा इशू है गाँव में जी। और महिलाएं क्या कह, आपको चुनाव में क्या बताया, नशा भी एक बड़ी दिक्कत है। नशा भी है जी हमारे गांव में, थोड़ा बच्चे छोटे बच्चे, अच्छा चिट्टा का इंजेक्शन लगाते होंगे जी, उनका भी दूर करेंगे। तो डेथ भी हो चुकी है आपके गांव में? डेथ नहीं हुई लेकिन नशा करते हैं जी, तो कैसे दूर करेंगे आप नशे को? तो हम औरतें जाएंगे जी घर घर जी, जागरूक करेंगे। और ऐसा भी कि ऐसे जो नशे में संलिप्त है उनको, उन जो युवा है उनको खेलों की तरफ लेके जाएं, तो थोड़ा बहुत वो तो ऐसा नहीं जी। खेलों के बारे में दूध दही मक्खन वगैरह ये खाओ, नशा को ये नशा तो पूरी यानी कर देता है, भरपूर डाइट भी मिले तो भी नशा जो है छोड़ा जा सकता है जी। और महिलाएं क्या कह रही हैं, आप काम करने का आपका जो तरीका है, क्योंकि गांव के लोगों ने जो आपकी जो परीक्षा थी उसमें आपको जो नंबर दे दिए और 971 वोटों से आप जीते, यानी कि वन वे चुनाव था, करीब 3000 वोट में अगर 900 से जीत है तो यानी कि एक तरफा सा चुनाव रहा आपका। गांव के लोगों ने जो मत आपको दिया, अब आपकी बारी है, आप लोगों को कैसे विश्वास दिलाएंगे कि आप काम आप ठीक ठाक करेंगे? मैं तो जी घर घर जाती हूँ जी, जी मैं के आगे ये मेरा काम है ना वो ऐसे नहीं है जी, मैं घर पे बैठी रहूंगी, मैं सरपंच बनी हूँ तो मैं सारा पूरा गांव का विकास करूंगी और सारी औरतों को और आगे लाऊंगी जी। तो ये जो 50% आरक्षण जो महिलाओं को दिया है, इसको आप कैसे मानते हैं कि महिलाओं को राजनीति में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, राजनीति में महिलाओं की भागीदारी और ज्यादा बढ़ेगी? हाँ जी, भागीदारी तो होनी चाहिए जी, आजकल औरतें तो आगे ही है जी, और मैं तो आंगनवाड़ी वर्कर रह चुकी हूँ जी, मैं तो पूरा एरिया जानती हूँ जी हमारे गांव का। अच्छा, आपके गांव का पूरा आप एरिया जानती हैं, महिलाओं के नाम जानती हूँ जी, महिलाओं के नाम भी जानती होंगी आपकी, कहाँ क्या, जैसे आंगनवाड़ी वर्कर का जो काम काज होता है कि गर्भवती जो महिलाएं हैं उनको राशन प्रोवाइड करवाना है, बच्चे होंगे जी जी, उन बच्चों को सभी को यानी उसको एजुकेशन की तरफ लेके जाना है, तो इसका लाभ मिलेगा आपको इस सरपंची में, यानी ये कह सकते हैं पूरा लाभ मिलेगा। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ सुनीता रानी, इस नोहियावाली गांव की नव निर्वाचित सरपंच। कुछ और महिलाएं भी हमारे साथ, उनके परिवार की महिलाएं हैं, हम उनसे भी
चर्चा करेंगे। मैडम आपका क्या नाम है? ममता जी। तो ममता जी अच्छा इनकी बहन है आप, तो आप तो फिर इनके बारे में बहुत अच्छी तरह से वाकिफ ही हैं कि ये जो जो कहती हैं वो कर देती हैं या कुछ कोई गड़बड़ रहती है? अच्छा अच्छी तरह से अच्छा गाँव। तो आप इसी गांव की रहने वाली हैं या दूसरे गांव में रहते हैं? यहीं से ही। अच्छा अच्छा, वैसे जिठानी और वैसे बहन हूं जी। अच्छा अच्छा, यानी कि जिठानी हूं जी। अच्छा, तो दोनों बहनें आप एक ही घर में शादी शुदा हैं? एक ही घर में जी। तो कौन सा गांव है आपका, मायका कौन सा गांव है? बरवाली है जी, राजस्थान में। अच्छा राजस्थान में बरवाली है। तो फिर इनको जब कैंडिडेट बनाया तो आपने नहीं सोचा कि मैं भी बन पाऊं ऐसा, क्योंकि दोनों में प्रतिस्पर्धा भी हो जाती है ना कई बार? ये बड़ी बहन है ना मेरी। अच्छा ये बड़ी बहन, तो बड़ी की जिम्मेदारी है? बड़े की जिम्मेदारी है जी। तो आप दोनों बहनें मिलकर के आपने वोट दोनों ने मांगे होंगे गांव में जा करके? हाँ जी। क्या कहा आपने? क्या कहा कि काम करेंगे? हाँ जी, सारा गांव का विकास करेंगे जी, हो पाएगा। हाँ जी। तो कभी ये नहीं जा पाएंगे तो आप भी इनकी मदद करेंगे? हाँ जी जरूर। धन्यवाद। कुछ और महिलाएं? हाँ जी माता जी, आपका क्या नाम है? हाँ जी धन्यवाद। क्या नाम आपका? अच्छा सुनीता है। नहीं आपका नाम क्या है? आपका सुनीता ही आपका है? तो आप तो पहले घूंघट उठाई नहीं रहे, तो फिर आप महिलाओं को कैसे जागरूक करेंगे? ये तो जरूरी है ना, महिलाओं को चूल्हे चौके से बाहर जब महिलाएं आएंगी उनको अपने अधिकारों के प्रति पता चलेगा तभी कुछ होगा ना। हाँ जी, आप क्या नाम मैडम? दर्शना जी। आप क्या करते हैं? कुछ नहीं, हाउसवाइफ हूं। अच्छा, तो क्या क्या लग रहा है, सरपंच सुनीता बनी है? सरपंच एक नंबर बनी है जी, सारे काम करेगी। हमने खुद सरपंच नहीं चुनी हमारे लिए। अच्छा, अच्छी है जी। अच्छा ठीक है, सारे जो बोलती है ना वो बिल्कुल सही कर देगी। ऐसे ही भाई साहब है, दोनों एक जैसे है। आपका इनका खुद का कोई लालच नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ गाँव के लिए सरपंच बने हैं। धन्यवाद धन्यवाद। तो ऐसे हमारे साथ इस परिवार की कुछ और महिलाएं जो हमने चर्चा करी, और चूंकि अब देखना ये होगा कि जो काम काज करने का तरीका है वो किस तरह से होगा, और लगातार हम भी आपको रिपोर्ट दिखाते रहेंगे। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दीजिए कि इस वीडियो को लेकर के आप क्या सोचते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।